नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सुपर टेट 2022 के विज्ञापन का वेट कर रहा है छात्रों के लिए काफी बड़ी खबर। अभी अभी आप सभी के विज्ञापन के साथ साथ एग्जाम डेट पर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू किए जाएंगे और आप सभी लोगों के एग्जाम कब से शुरू होने जा रहे हैं, पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी सुपर टेट 2022 के छात्रों के लिए, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगे भी सुपर टेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचा जाते रहे। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2022 के यहाँ पे नोटिफिकेशन पर, और ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। एग्जाम डेट एंड शेड्यूल इज अपडेट ऑन दिस पेज आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट सुपर टेट टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन अंडर विच 17,000 वैकेंसीज आर नोटिफाइड। आपको बता दें सुपर टेट 2022 का एग्ज़ाम अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराने जा रही है, और 17,000 वैकेंसियाँ का जो है यहाँ पे नोटिफाइड हो चुकी है, का नोटिस निकल चुका है। यूपी सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन शुड गेट जो है हैप्पी नाउ एज द रजिस्ट्रेशन आर अबाउट टू ओपन। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अब यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जितने भी हमारे छात्र हैं, यू कैन फिल सुपर टेट 2022 अप्लीकेशन फ्रॉम बिफोर द लास्ट डेट टू रजिस्टर फ्रॉम दिस रिक्रूटमेंट टेस्ट। आपको बता दें आप सभी का नोटिफिकेशन अब इसी महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 20 से 25 सितंबर के बीच में आप सभी सुपर टेट 2022 का जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये शुरू किया जा सकता है। और आपको बता दें इस पर जो है 17,000 से ज़्यादा वैकेंसियां सुपर टेट 2022 एग्जाम के माध्यम से भरी जानी है, और इस बार आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि पिछले दो साल से यहाँ पे जो एग्ज़ाम है डिले होता आ रहा है, कहीं सुपर जो विधानसभा चुनाव उनके कारण तो कहीं कोरोना कारण। इस बार सभी छात्रों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में 2 से 3 साल का एक्स्ट्रा जो है छूट दी जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से छात्रों ने अप्लाई नहीं कर पाया, ना ही नोटिफिकेशन जारी हो पाया। नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से यहाँ पे 2 से 3 सालों का एक्स्ट्रा एज में छूट छात्रों को